आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4th June। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन June 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं 1st June। मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही है। 3rd June को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड है, ये देखिए 31st May मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28। ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, व्हाई डिड पीएम एंड एचएम गिव स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू द 5 crore फैमिलीज इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट? इज इट देयर जॉब टू गिव इन्वेस्टमेंट एडवाइस? सेकंड, Why both interviews were given to the same media house owned by the same business group which is also under SEBI investigation for manipulating stock? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy.